ये जो ना ये नशा है वो है पुड़िया है और ये वहां दे उधर को 200 रुपए मिलेंगे। रामगढ़िया रामगढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और भैया मैं जाने वाला था आज कहीं पे, आपको सरप्राइज देने वाला था, लेकिन एक शख्स ने मुझे रोक लिया। उस शख्स ने मतलब ऐसे इमोशनल कर दिया, ऐसी बातें बता दी, ऐसे करोड़ों की डील रख दी, ऐसे फेंक दिया, मतलब ऐसा कर दिया। अनुज अगर तू चला गया ना आज तो जीवन सत बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, नाश हो जाएगा जमा। तो भाई वो शख्स है ये इंसान, आज को साइन होनी है वो प्रोजेक्ट को, वो मतलब ऐसा कह गया प्रोजेक्ट आज साइन होगा और अनुज साइनिंग अमाउंट फलाना ढिमकाना। स्क्रिप्ट भी दे दी मेरे तरफ, देख लो भाई स्क्रिप्ट है, पहला पन्ना यो दूसरा पन्ना, ये देख लो भाई सारे पन्ने, स्क्रिप्ट पूरी फुल है। तो भाई साहब जो मेरा आपने नुकसान कराया आज, ठीक है, उस नुकसान की भरपाई आप करोगे, सुनना कुछ नहीं है भैया, कॉपीराइट बंद करना। तो मैं ये नुकसान नहीं, ये आपके लिए बड़े फायदे की चीज है। अभी आप बच्चे हो, बड़े हो गए तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम मोहित भाई ने मुझे एक दिन के लिए रोका था और वो आज उस दिन का रोका हुआ आज मेरे काम हो रहा है। तो गाइस जब मैं कल को सब्जी बेच रहा हूँ ना ठेले पे, तो मैं उस दिन को एक दिन रोका था मेरे को मोहित भाई ने, अगर मैं उस दिन नहीं रुकता मालिक तो भाई कोई बात नहीं, भाई के साथ एक दिन बिताने का और मौका मिलेगा। और मेरा जो मेरा भाई सोनू है ना, बहुत टाइम बाद मतलब यहाँ हंस फिल्म में हमारे पास आया है, तो ये लगा लो कि अब सोनू है, कल को ये भी चला जाएगा। तो मैंने कहा चलो आज सोनू है कल को नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है तो ये सोनू जब कल जाएगा तभी मैं कल निकलूंगा। और वो सरप्राइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सरप्राइज है, तो शौक मत होना कि भाई ये क्या वो क्या फलाना ढिमकाना। आज तो कमाल ही हो गया, आज जैसे इसने एक बस की जो राइड बुक की और चलो भाई जैसे तैसे करके कैंसिल इसने उसको की, बस वालों के पास नोटिफिकेशन गया कि अनु शर्मा कैंसिल दिस। वो देखो यार एक ही तो बुक हुई थी, यही कैंसिल होगी, नहीं इस बंदे का नंबर निकालो यार, इसको नहीं छोड़ना है। आज पूरे दिन के एक ही तो ग्राहक मिला था भाई, अनुज के पास फोन मिला। हेलो अनुज जी बोल रहे हैं, उधर से अनुज बोलता है, सर अभी आपने जो बस है वो आपने बुक की थी ऐसे ऐसे राइड हमारी चंडीगढ़ के लिए, तो अभी कैंसिल की आपने। हाँ जी सर, मैंने ना एक्चुअली जो मुझे कहीं और जाना पड़ गया इसलिए मैंने राइड को कैंसिल कर दिया। उन्होंने दिमाग लगाया, नो भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है आपने भाई, मैंने उसको घुमाया। अब इसका जवाब क्या दिया अनुज, अब घुमाया गया इसका दिमाग भी घूम गया। तो गाइस पहले मैंने उसको बोला मेरा खरगोदा जाना है, खरगोदा ले चलेंगे बस को, सिंगल राइड है हम खरगोदा ले चलेंगे। अब मैंने कहा क्या घुमाऊं क्या घूम, मैंने कहा मुझे जाना जरोट, कह रहा जरोट भी ले चलेंगे। फिर उसके बाद पड़वास नहीं तो जा रहे थे, मैंने ऐसे गाँव का नाम बताया जो बिल्कुल आड़ी टेढ़ी गलियों में जाके, मैंने कहा बड़वास नहीं जाना है, कह रहा बड़वास नहीं तो ये रहा, अब छोड़ दे तुझे, छोड़ेंगे तो हम ही नहीं, हमने कहा आपको बाइक पे भेजना पड़ा। तो आखिर में भाई से बताना पड़ा, भाई कर देना कैंसिल, क्यों मेरे लड़की दे रहा है। फाइनली वो कैंसिल कर दिए, कल बुक करूंगा, कल जाऊंगा। तो जैसा मैं बता रहा था कल के लिए आप रेडी रहना, जस्ट वेट एंड वॉच। तो भैया ये जो शख्स है ना जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन शख्स के पास आना तो आसान है लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। सब ये आते अपनी मर्जी से हैं, जाते हैं अपनी मर्जी से हैं। इनका वही डायलॉग है कि, लेकिन मेरा भी एक डायलॉग है, हम आए भी अपनी मर्जी से थे और जाएंगे भी अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन वो उलिया अलग अलग होगा। अभी पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, काम करवा रहे हैं पूरे दिन, बड़ा करवा दिए। कोई बात नहीं दोस्तों, देखो ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें व्लॉग को आगे खींचने की, आप ही बताओ क्या मेरी शक्ल से मेरे सुर से मैं ऐसा लगता हूँ कि इनसे मैं मजदूरी करवाता हूँ। जो चीजें देखो, जो चीजें ऐसा दिखती है ना वो होती नहीं है, ठीक है, नहीं अरे ये दर्शक, इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ हो, जो ये दर्शक है ना, ये जो दर्शक है ये बहुत समझदार है, आज की पब्लिक, आज की पब्लिक मारना क्या है, ये फैक्ट है यार, ये इंसान बहुत प्रवक्ता है, मतलब लेक्चरर रह चुके हैं, ये बातों में मैं ऐसे घुमा देंगे यूं, इनकी बातों में बताना भाई, ये तो घुमा देते हैं ऐसे, डायरेक्टर डीओपी सब साहब ऐसे यूं करते हैं, काट देते हैं यूं करके भी। तो गाइज एक हमारे बुजुर्ग से है एक अंकल और ऐसे बैठे हैं गाड़ी के पास, मतलब सड़क पे, ये बताऊं क्या है, ये जो ना ये नशा है और छक्के इसने ना, मतलब सूखा नशा बोलते हैं जिसको, गांजा या फिर आँखों से तो लग रहा है, अरे वो उसी टाइप का नशा, लेकिन हम कंफर्म भी नहीं कर सकते। देखो भाई इस चीज में ना, आंखें देखो यार बाबा, आंखें देखो, ये देखो इसे ये पता है कुछ चली गाड़ी, लेकिन खुद का होश नहीं है, ये देखो ये आंखें देखो, भयंकर, मतलब एक ही तरफ बिल्कुल, मतलब जो ये सुखा नशे वाले जो होते हैं ना, मतलब इनको आप कभी भी देखो, किसी को देखोगे तो मतलब त्योर 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 मानते हैं। ये तो है, ये तो है, नोटी हो रहा
तो भाई बिल्कुल सही बात है, रियलिटी है, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहो भाई। पता है क्या, जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। वो हमारी बात अलग है, मोहित भाई की बात अलग है, सही बात। लेकिन नहीं भाई, बहुत दूर है, ये इंसान भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वच्छ इंसान है, ठीक है, इन चीजों से बहुत दूर है। तो अब ये जैसे ये लेटा होता है, अब इसका कोई परिवार तो होगा यार, कोई इसका बेटा, कोई पोता, मतलब वो वेट कर रहे होंगे कि हाँ मेरे दादा आएंगे। देखो अगर हम इन लोगों से पूछते भी हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम परेशान है, किस चीज परेशान। देखो हर कोई इंसान है आज के टाइम में, आज के तारीख में हर इंसान परेशान है अपनी कई चीजों को लेके, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपकी परेशानी। मैं तो असली आदमी उसको मानता हूँ जो परेशान होकर भी उस परेशानी को से लड़े, उस लड़के और आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, वो असली आदमी मतलब इंसान है। और भाई लड़के ही परेशानियों से इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। चलो खैर, आप ध्यान रखना भाई, आप किसी मतलब ऐसी आदत में मत पड़ना, और कोई आपके आसपास कोई पढ़ता भी उसे ही मना करो, उसे मोटिवेट। एक वाक्य बताता हूँ मैं, देखो अनुज बहुत अब देख लेना गाइस, टाइम कौन बढ़ा रहा है। हाँ जी, नहीं नहीं रियलिटी में वाक्य बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया, तो कॉलेज में गया तो हम खड़े थे ऐसे, दूसरा तीसरा पीरियड हुआ था, तो हम यार दोस्त थे, तो कोई पानी पीने लग गया, तो एक बंदा मेरे साथ वाटर कूलर था, वाटर कूलर के पास खड़ा था, तो एक बंदा आया और उसने कहा कि भाई सुन इधर आ। मैंने लगा भाई सीनियर होगा, रैगिंग वैगिंग करते होंगे, मैं दमकाऊंगे सारे ने, कहने तो थे एक बार। तो भाई बोला भाई देख ये ऐसे ऐसे वो है पुड़िया है, और ये वहाँ थे, इधर को 200 रुपये मिलेंगे, मतलब सप्लाई करवा रहे थे आप। तो लेकिन देखो मेरे परिवार वालों का और जो मतलब उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, 1000-1200 रुपए तो मेरे जेब में वैसे रहते हैं, मतलब कभी पैसे की घर वालों की तरफ से कभी कमी हुई नहीं की। तो शायद हो सकता है कि वो भी कारण था कि हम उस लालच में नहीं फंसे। तो ये लोग जो है ये लालच देते हैं नशा करवाने वाले, यार वो या जो जो भी है, पहले आपको फ्री में पिलाएंगे, अरे एक घूट मार के देख यार, देख दुनिया भूल जाएगा, एक करके तो देख। और फिर आदमी धीरे धीरे घुट मारता है फ्री, मतलब महीना 10 दिन के नाम फ्री पिएगा, जब लत लग जाएगी फिर पैसे लेके आएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, चोरी करेगा, चोरी करने के बाद फिर तो चोरी तो फिर तो आगे अपराध बढ़ते जाते हैं, फिर चाहे मर्डर भी करना पड़े। नशा तो ऐसा है, ये तो पता नहीं क्या करवा दे। तो सुन लिया ना गाइज, तो भैया दुनिया में बहुत बहुत सारी चीजें हैं, तो इन चीजों से अवेयर रहो, और बस जो है समय रहते ही अपने कदम पीछे हटा लो, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। मिलते हैं नए एपिसोड में, ठीक है। इतना सीरियस भी मत होना भाई, क्योंकि हमारा व्लॉग कॉमेडी है पूरा। अरे लट्टी हो रहा है अनुज। नहीं नहीं, अंडी मंडी संडी अंडी मंडी संडी है भाई, समय रहते ही अपने कदम पीछे हटा लो। बहुत अनहाइजीनिक। तो गाइस तकनीकी खराबी के कारण यही क्लिप को एंड करते हैं थोड़ा, फिर मिलते हैं। तो भैया कई दिन हो गए थे वेज बिरयानी खाए हुए, मतलब काफी टाइम पहले खाई थी भाई। अब मोहित भाई सोनीपत में आके तेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे, इसलिए शांति राख, कोई बात नहीं, शांति नहीं रख सकता। हाँ। शांति नहीं और बिरयानी बहुत नाम खाई थे ना, और बता के और बता। अलवा भाई साहब, हाँ अलवा याद आ गया भाई साहब, इनके राज में अलवा खाया था भाई मैंने, अलवा। ओहो क्या बात है, बता देना, होता बढ़िया, बहुत बढ़िया था, मतलब मैं ढूंढता रह गया फिर अलवा कहाँ है, अलवा 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 भाई तो बढ़िया चीज होती है, ऐसे खत्म होती है बस, अलवा का जलवा जलवा रहा फिर अलवा खत्म हो गया। बाकी बहुत अच्छा था, जितना भी हो प्रसाद तो थोड़ा हो या ज्यादा हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन प्रसाद ही होता। आगे भाई लो भाई, लो भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, रायता और दे दो, बढ़िया था।